मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम शिबली नगर और भोलेनाथ नगर के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक कार जो है एक गड्ढे में गिर गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक यहाँ पर एक नाला है और इस नाले के बाजू में ही जो है तमाम जो है यहाँ पर जो है काम किया जा रहा था, जो एमएमआरडी के तरफ से इस रोड का जो है काम चालू था। आपको बता दें कि जब से इस रोड का काम चालू है और इस रोड पर तमाम गड्ढे हैं और गड्ढों की होने की वजह से लगातार जो है यहाँ हादसों की खबर आती रहती है और कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये नाला यहाँ पर है और नाले के बाजू में ही जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उन लोगों का कहना है कि करीब 2 साल से ये खुदाई करके रोड पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है और अचानक आज ये कार जो है इस गड्ढे में गिर गई है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इसमें जो है चालक है वो सुरक्षित है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर गड्ढा ये खोदा गया है तो ये कितने दिनों से ऐसे ही है? जब ये रोड बन रहा था ये वाला, तब से ही इसको ऐसा ब्रैकेट मार के रखा हुआ है। कम से कम 1.5-2 साल हो गए। मेरा घर सामने ही है सरकार हाइट में, मैं इधर ही रहता हूँ आगे से, और ये मतलब रोज परेशानी होती है, कट मार के जाना पड़ता है अपने को। अपन रोज ये गड्ढा जो है ये कितने दिन से, कितना कुछ 1 महीने 2 महीने नहीं, कम से कम 1-1.5 साल से है। 1-1.5 साल से ऐसी है, ऐसी पड़ा हुआ। मेरा नाम जैद है। सब म्यूनसिपैलिटी के रफ है वासी में। इधर उधर देखो कितने अच्छे काम होते, जो भी कुछ नुकसान होता है, ट्रैफिक है, ये है, ये सब काम करने के लिए ना गवर्नमेंट का ये कुछ काम सही नहीं। हमारी मुमरा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। मॉर्निंग वक्त में मैं सुबह जाती हूँ तो मैं देखती हूँ, आज एक कई महीनों से, 4 महीने से नहीं है, समझ गए, आज कई महीनों से। मैंने उस दिन भी बहुत बड़ी ट्रैफिक थी और इतनी मारा मारी, तो मैं उस दिन बोली कि कब तक काम चलेगा, तो ये अभी 15-20 दिन से काम चालू करने लिए। कितना नुकसान, कितनी पब्लिक परेशान है। हाँ, खड्डा देखो ना, अभी खड्डा देखो। हाँ अच्छा, पिया है, कुछ भी करा है, लेकिन ये कुछ सिस्टम है क्या? इधर इतना बड़ा खड्डा है, इधर उतना पब्लिक जाएंगी कहाँ से, गाड़ियाँ चलेंगी कहाँ से? तो सुना आपने जिस तरह से ये यहाँ के स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि ये जो खुदाई करके यहाँ पर छोड़ा गया है ये करीब 1 से 1.5 साल हो गए हैं। इसे जो ऐसे ही खोद कर इसे छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि आपको कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए दिखाए किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम है, क्योंकि यहाँ से जो है बड़ी गाड़ियों का जो है आना जाना होता है और इस तरह से सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की काफ़ी समस्या हो रही है। हालाँकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बाइक चालक है, जो कार चालक है, वो उन लोगों का भी यही रास्ता है। और यहाँ पर देखिए आप, खुदाई होने की वजह से जिस तरह से ये गड्ढा जो है खोद कर छोड़ दिया गया और इस गड्ढे में आज एक कार चालक जो है इस गड्ढे में आकर गिरा। हालांकि कार चालक जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोड पर जिस तरह से ये गड्ढा खोदकर छोड़ा गया है, आखिर क्यों छोड़ा गया है, किस काम के लिए इसे खोदा गया था, अभी तक इसका काम क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये चालक जो है, हमने चालक से जब बात की तो चालक का कहना था जो है स्पीड में नहीं था, लेकिन एक ट्रक चालक ने जो है उन्हें ओवरटेक किया जिसकी वजह से वो बचने की कोशिश की और अपना नियंत्रण खो दिया और इस गड्ढे में आकर गिरे। हालांकि देखने से ये भी लगता है कि इस कार की जो है रफ्तार वो काफ़ी तेज़ रही होगी, क्योंकि आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गड्ढा जो है, ये जो यहाँ पर बैरिकेड लगी हुई है इससे जो है ये घेरा हुआ था, लेकिन कार जो है उस डिवाइडर से, जो नाले की डिवाइडर है उससे पहले टक्कर हुई, उसके बाद जो है ये जो बैरिकेड लेकर जो है कार इस गड्ढे में गिरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है और लगातार जिस तरह से इस रोड पर आए दिन गड्ढों की वजह से हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान जाती है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से आज ये कार जो है इस गड्ढे में गिरी है, लेकिन जो चालक था वो सुरक्षित है। अगर उसकी जान जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।